हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वाइल्ड ट्रैवलर। आज 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट एक कुदरत का भी एक खेल देखिए कि आज के दिन ही हमें 29 जुलाई को ही सुबेरे सुबेरे कॉर्बेट के ढेला रेंज में एक टाइग्रेस की डेड बॉडी मिलती है। गाइस, बहुत ही एक दुखद न्यूज़ है जिसको शेयर करते हुए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, और ख़ास तौर से आज का दिन भी बहुत स्पेशल था। बट ऐसी एक इन्फॉर्मेशन जिसने पूरा एक जिसको कहते हैं दिन, जिसका एक पूरे दिन का मूड होता है, वो पूरा स्पॉइल कर दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, कहाँ पे एग्जैक्टली हुआ है, क्या इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड सारी जुड़ी हुई बातें हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पीछे वीडियो में देख ही रहे हैं, एक टाइग्रेस जिसकी डेड बॉडी आज ढेला जोन में हमें मिलती है। सुबेरे सुबेरे 8 बजे गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलर्ट करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने यहां पे एक टाइग्रेस की डेड बॉडी दिख रही है। तो फॉरेस्ट वाले आनंद फानंद में जगह पे पहुंचते हैं और उनको आइडेंटिफाई होता है कि ये एक टाइग्रेस है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इस आसपास के एरिया में ही घूमती हुई दिख रही थी कुछ दिनों से, और ये आज यहाँ पे डेड मिलती है। तो गाइस, अब बात आती है कि ये सारा मामला है कहाँ का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ गाइस, ये है ढेला रेंज का, और ढेला रेंज में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ये पड़ता है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये पड़ता है जंगल बुक रिजॉर्ट के सामने जो पुल है, उस पुल के नीचे का एरिया। इसके एक साइड में अगर आप देखते हैं तो ये ढेला रेंज का पूरा जोन लगता है, और उसी के आगे अगर आप जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको झिरना जोन का एरिया भी देखने को मिलता है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, और ये काफ़ी बरसाती नाला था बहता हुआ, बरसाती नाला मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा बहाव होता था पानी का पिछले साल तक। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पुल बना दिया है, तो अब आप पुल के ऊपर से ये देख पा रहे हैं, लेकिन इसी नाले के अंदर अभी जो है हमें आज सुबह जो है टाइग्रेस की बॉडी देखने को मिल रही है। जितना मेरे को अपने वहाँ पे सोर्सेज से बात करके पता चला है गाइस, ये टाइग्रेस वहाँ पे कुछ दिनों से देखी जा रही थी, और इनफैक्ट ये नहीं, वहाँ पे एक और दूसरा टाइगर भी देखा जा रहा था, मेल टाइगर था जिसके बारे में लोगों ने बताया। और उसी जोन और उसी एरिया में कल रात में काफ़ी ज़्यादा ग्राउलिंग की आवाज़ें आ रही थी, या फिर कहो तो टाइगर की जो टेरिटोरियल फाइट्स होती है उसमें जो टाइगर ग्राउल करता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ग्राउलिंग होती है, उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो जब वो रात में करीब 1 बजे के आसपास लोगों को आवाज़ें आई तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे, समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। और जब लोग सुबह उठते हैं और 8 बजे कुछ लोग देखते हैं तो वहाँ जंगल बुक रिजॉर्ट के बिल्कुल नीचे जो वहाँ पर पुल बना हुआ है उसके नीचे वहाँ पर टाइग्रेस की एक बॉडी दिखती है लोगों को। जल्दबाजी में लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलर्ट करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देखते हैं एक टाइग्रेस है जिसकी एज लगभग 4 से 5 साल के आसपास बताई जा रही है। और इसकी जो पुष्टि है वो कॉर्बेट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद ने क्लियर करा है कि इसकी एज 4 से 5 साल के आसपास की है, और ये जो है यहाँ पे डेड मिली है। तो बॉडी तो अब मिल गई गाइस, अब लेकिन सवाल उठता है कि ये टाइग्रेस मरी कैसे। देखिए गाइस, प्राइमा फेसी इसकी बॉडी का इंस्पेक्शन करने के बाद जो इसको देख के लगता है वो यही लगता है कि ये इसके घाव को देख के आप बॉडी पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे घाव हैं, इंजरीज के मार्क हैं। तो इसको देख के यही समझ में आ रहा है कि एक टेरिटोरियल फाइट हुई है फॉर दी टेरिटोरियल सुप्रीमेसी, जिसकी वजह से ये टाइग्रेस अपनी जान से हाथ धो बैठती है। हालांकि इतने कम घाव के साथ, या फिर या मैं कहूँ तो लिमिटेड इंजरीज के साथ टाइग्रेस का, सिर्फ ये इंजरीज को देख के बोल रहा हूँ मैं, टाइग्रेस का एक अपनी जान से हाथ धो बैठना थोड़ा सा एक मुश्किल पॉइंट लगता है, लेकिन इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। वो क्या है फैक्टर्स, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जब कोई टाइगर इंजर्ड होता है तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठ रहा है और अपनी जो इंजरी है उसको कैसे चाट पा रहा है, क्योंकि टाइगर के चाटने से टाइगर की जो एलआर होती है, जो सलाइवा होता है, उसके अंदर एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो अगर टाइगर अपने जख्म को चाट पाता है तो वो खुद खुद ब खुद उसको ठीक कर पाता है, लेकिन यहाँ पे
जो इसको इंजरीज हुई हैं कई सारी, वो कुछ ऐसी जगह पे भी हुई हैं जहाँ पे ये शायद उनको चाट नहीं पा रही थी। और क्योंकि बरसात का मौसम है, तो इस बरसात के मौसम की वजह से जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज फैलता है। अब इस बरसात के मौसम में गंदे नाले पानी में ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे बैठी होगी इंजरी के बाद, फाइट के बाद, जैसे तैसे बचने के बाद, और हो सकता है वो सीवियर इन्फेक्शन की वजह से इसने रात भर में दम तोड़ दिया। तो ये सिर्फ एक मैं पॉसिबल कॉज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। तो जो मुझे लगता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन या जो मेरी नॉलेज कहती है, मैं उसके बेसिस पे ही बता रहा हूँ। जो एक्चुअल रीज़न है वो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा। जो कॉर्बेट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है, जब इसका पोस्टमार्टम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एनटीसीए की गाइडलाइंस के बेसिस पे होगा, यानी कि पूरी एक टीम के सुपरविजन में होगा, कोई एक ऐसा अकेला डॉक्टर जाके पोस्टमार्टम ऐसे नहीं करता है। तो एनटीसीए की गाइडलाइंस के बेसिस पे जब ये पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, तब इसके जो रिजल्ट्स हैं तब पब्लिक किए जाएंगे, तब सामने आएंगे और पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है। अब मैं बात करता हूँ हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। गाइस, हाल फिलहाल में इस टाइग्रेस को लेके डेरा रेस्क्यू सेंटर में गए हैं, जहाँ पे इसको अभी रखा गया है। उसके बाद इसके पोस्टमार्टम के लिए इसको तैयार किया जाएगा और इसका पोस्टमार्टम होगा। अब इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो टाइग्रेस थी इसकी एज जो है ये लगभग 5 साल के आसपास की एज है, 4 से 5 साल के बीच में कहीं रही होगी, एग्जैक्ट एज बताना मुश्किल है, लेकिन यही है। और जो है ये काफ़ी टाइम से इस एरिया में देखी जा रही थी, जो कि गांव वालों ने, लोकल्स ने यहाँ पे बताया। ये ऐसा नहीं है कि आज एकदम से कहीं से आ गई, ये अपने एरिया में, अपने रेंज में घूम रही थी काफ़ी टाइम से। और यहीं पे इसकी जो टेरिटोरियल फाइट हुई है एक दूसरे टाइगर के साथ, जो कि पॉसिबली एक मेल टाइगर लगता है, जितना वहाँ पे लोगों से बात हुई है उससे पता चल के, और उसके चलते ही इसने अपना जो है दम तोड़ दिया। सो गाइज, देखिए ये सब चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस हैं, एक नेचुरल फिनोमिना है, बिकॉज यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी तो बीच में नज़र नहीं आ रही है अभी। और इस नेचुरल प्रोसेस को आई थिंक इस दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके ऊपर सिर्फ ऊपर वाले का कंट्रोल है। तो इन सब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना भी जरूरी है, और टाइगर कंजर्वेशन की डायरेक्शन में हमें काम करते रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज एक इंटरनेशनल टाइगर डे है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है, इस इंटरनेशनल टाइगर डे पे इस टाइग्रेस ने हमें ये चीज़ अपना हमारे माइंड में एक याद दिला दी है कि ठीक है, हमें आने वाले टाइम में टाइगर्स को और ज़्यादा तरीके से, और ज़्यादा एफर्ट्स करके इनको बचाने की ज़रूरत है, इनके कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो बस गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन हैं, कोई अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूछनी है, तो फील फ्री आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और मैं उन सबके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।